वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा शर्मा, PGT मैथ्स, GSSS एरिया, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। हम कर रहे हैं आजकल चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, और इंटीग्रल्स के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंटीग्रल्स की बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बताए थे। मैंने उतने ही फॉर्मूला आपको बताए थे जो हम डिफ्रेंशिएशन से डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं, और उन्हीं फॉर्मूलाज पर हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1 बेस्ड है। पार्ट 1 में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 कराया था जो कि मैथड ऑफ इंस्पेक्शन पर बेस्ड था। उसी पार्ट पर आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, आप ये देख सकते हो कि मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 लिख रही हूँ, तो व्हाट अबाउट फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो आपके एक्सरसाइज 7.1 के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो बेसिक इंस्पेक्शन मेथड पर आपके बेस्ड हैं, और ये मेथड आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप उन्हें ट्राई करना चाहें तो कर लें, कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं, अदरवाइज आप उन्हें डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स आपके जो हैं क्वेश्चन वो कराऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने सारी आइडेंटिटीज और जो भी अलजेब्रा था वो लिखा था, और मैंने आपको बोला था कि आप अपनी नोटबुक में उसे नोट कर लें। आई होप आपने उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा, और उन्हीं फॉर्मूलाज पर अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये है बेटा जी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटीग्रल। और इंटीग्रल क्या है हमारा, अगर मैं इसे I से डिनोट करूं तो दिस इज 4e^3x प्लस 1 इंटू dx, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो ये अब आपको एक तो सबसे पहले तो अपना एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल याद करना है, जहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई दो डिफरेंट फंक्शंस की एडिशन दे रखी है और इंटीग्रल के साइन में है तो हम इंटीग्रल के साइन को सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx। तो यहाँ पर आप क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, 4e^3x dx, इस पूरे के साथ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, dx लगाया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, सेपरेट कर दिया हमने। क्लियर? अब हम यहां पर आते हैं एक और आइडेंटिटी। अब मैं आपको यहां पर एलजेब्रिक रूल बताने जा रही हूं, k इंटू fx dx। मैंने आपको क्या बताया था कि k इंटीग्रेशन के साइन से बेटा बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा fx dx, गॉट इट? तो इसमें से अब फिर 4 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा e^3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। क्लियर है यहाँ तक? हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल अपना एलजेब्रा लगा रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। पहले स्टेप में मैंने इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रल के साइन में रखा, तो दोनों के साथ dx भी लगाना है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 4 को बाहर ले लिया, e^3x dx + 1। अब इन दोनों पर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, जिसे हम अप्लाई करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन याद करें, 1 की इंटीग्रेशन क्या बताई थी मैंने आपको, x बताई थी प्लस c, और e^3x। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि मैंने आपको केवल e^x की इंटीग्रेशन बताई थी जो कि होती है e^x, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है e^3x। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी और आपको लिख देती हूँ, उसको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ e^kx dx क्या होगा। अगर यहाँ पर x के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो वो इंटीग्रेशन क्या बनेगी, e^kx/k+c। इसको और आपने नोट कर लेना है कि kx के साथ, अगर यहाँ इसके साथ kx है तो वो k यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल हमने यहाँ फॉर्मूला लगाना है, 4 इंटू इसकी जो इंटीग्रेशन बनेगी वो बनेगी e^3x/3। क्लियर? प्लस 1 की जो इंटीग्रेशन बनेगी वो कितनी बनेगी, x। और अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये दो क्वेश्चन है वैसे तो इसका कांस्टेंट अलग आएगा, इसका कांस्टेंट अलग आएगा, लेकिन हम जब एक ही क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स है तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लास्ट में एक सिंगल यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अब लगा दूंगी प्लस सी, समझे इस बात को। अगर मैं सेपरेट करती, देखो मैं सेपरेट करती तो मैं कैसे करती, यहाँ से देखें एक बार, 4 ये होता e^3x/3 प्लस c1,
ये तो इसकी इंटीग्रेशन आती एज पर फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, और इसकी इंटीग्रेशन आती बेटा x प्लस सी टू। क्लियर? अब इन दोनों को तो हम एक साथ लिख लेते 4/3 e^3x + x। और अब इन दोनों को देखो भाई, c1 प्लस c2, c1 भी एक कांस्टेंट है, c2 भी एक कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट c बन जाएंगे। तो वो हम शुरू में ही अलग अलग कॉन्स्टेंट्स ना लेकर एक सिंगल कॉन्स्टेंट लेंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/3 e^3x + x + c। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ईजी है। सारे वही फॉर्मूला हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपको उन सबको अपनी नोटबुक में लिख लेना है, सामने रखना है, तब ये क्वेश्चंस आपने देखने हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 7, एलजेब्रिक है ये, ध्यान से देखेंगे। इंटीग्रेट एक्स स्क्वेयर इंटू 1 - 1/x² dx। ये जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है कम्प्लीटली, ज़्यादातर इसमें एलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। वो आइडेंटिटी क्या है याद करें, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x^(n)dx क्या होता है, x^(n+1)/(n+1)+c। क्लियर? अब आप कहोगे कि यहाँ तो ऐसे सेपरेट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आई एग्री, लेकिन जब आप देखोगे तो ये एक फंक्शन है और ये दूसरा, जब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करें तो हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो पहले इंटीग्रेशन करने से पहले हमने इसके अंदर आने वाले कंप्लीट जो भी फंक्शन है उसको सॉल्व करना है, लास्ट में इंटीग्रेशन करनी है। तो अगर मैं इसको आई नाम दे दूँ, ध्यान से देखें तो आई इज इक्वल टू, ना तो आपने ये इंटीग्रेशन का साइन हटाना है, ठीक है। अब एलजेब्रा लगा रहे हैं हम भाई, एक्स स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर, अब एक्स स्क्वेयर को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1 एक्स स्क्वेयर ये रहा और ये हो गया 1/x². अब डीएक्स है तो डीएक्स आपने पूरे के साथ लगाना है, गॉट इट? सिंपल एलजेब्रा, बिल्कुल सिंपल एलजेब्रा है। एक्स स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई किया और एक्स स्क्वेयर को इससे, ये कैंसिल हो गया एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। क्या क्वेश्चन बना? ये बना एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx। यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ आया होगा। आगे देखें कि इनको अब हम सेपरेट कर दें fx + gx या fx - gx से, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। बिल्कुल सिंपल, x² ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, इंटीग्रेशन क्या बनेगी, x^(2+1)/2+1, 1 के इंटीग्रेशन अभी आई है 6th में, कितना x + c, और इसको फर्दर सॉल्व कर दो तो ये बनेगा x³/3 - x + c, और ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन में जो भी आइडेंटिटी यूज होती है वो आपने ज़रूर से ज़रूर लिखनी है। इससे एक तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, दूसरा वो आइडेंटिटी आपको आसानी से लर्न हो जाती है, बार बार आपको उन्हें लर्न नहीं करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने यहाँ पर राइट नहीं किए हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी की तरह है, 3 टर्म्स से सेपरेट करके आप इंटीग्रेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इन्हीं की तरह है, इसकी तरह है, दो ही टर्म्स हैं, उन्हें सेपरेट करके आप इंटीग्रेट करिएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। देखो आपको भी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट √x - 1/√x² √x - 1/√x² dx। आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जब भी ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं तो x यहाँ सिंगल है, एक x^(n) है, सारे की पावर n नहीं है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको टर्म्स सेपरेट करनी है, एलजेब्रा यूज करना है। तो जब भी इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको एलजेब्रिकली सॉल्व करना है। एलजेब्रिकली मींस आपने एलजेब्रा लगाना है, एलजेब्रा का मतलब जमा घटा, कोई आइडेंटिटी कुछ भी, आपको जो भी वहाँ दिखता है वो अब आपको वहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ करना है। तो ये क्या है, होल स्क्वेयर है, a - b² है। तो भाई सिंपल सी आइडेंटिटी है, a - b² क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो हम इन दोनों टर्म्स का यहाँ होल स्क्वेयर कर लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज रखना है, ध्यान देंगे मेरी बात पर, a यानी कि √x²
प्लस सेकेंड टर्म यानी बी मीन्स वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वेयर माइनस टू इंटू रूट एक्स इंटू वन बाय रूट एक्स। देखो इसका स्क्वेयर खोला तो तीन टर्म आई है लेकिन साथ में डी एक्स है, तो डी एक्स लगाने के लिए आपको अब यहाँ पर ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ वो आपने बड़े ध्यान से सुननी है ताकि आपके उसमें सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक ना हो। ब्रैकेट लगाया, देखो x का अंडर रूट का स्क्वेयर है तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल होके क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वेयर का मतलब 1 का भी स्क्वेयर और रूट एक्स का भी, तो 1 का स्क्वेयर हो गया 1, रूट एक्स का स्क्वेयर हो गया x, माइनस ये कैंसिल हो गया इंटू 2 डी एक्स। कितनी टर्म्स हैं ये, 3 टर्म्स हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने छोड़ा है उसमें भी 3 ही टर्म्स हैं, उन्हें भी आप ऐसे ही सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लेना। तो अब मैं इन तीनों को पहले सेपरेट करूँगी, एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स। ध्यान देना है एक बार फिर देखो, अब x का तो फॉर्मूला हमारे पास है, क्या फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x इज टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। 1 बाय x की इंटीग्रेशन क्या होती है, अभी हमने पार्ट 1 में की थी, ये होती है log ऑफ मॉड x प्लस में c आता है, लेकिन 2 की तो इंटीग्रेशन नहीं होती, तो 2 नहीं है, 2 को यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए और 2 इंटू वन कर लीजिए तो यहाँ 1 रह जाएगा। अब इन तीनों की फटाफट से इंटीग्रेशन कर दें, x का मतलब है x की पावर 1, तो ये बन जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड x माइनस 2 के साथ आ जाएगा x प्लस c। फाइनली लास्ट में अच्छे से सॉल्व कर दो, x स्क्वेयर बाय 2 प्लस log ऑफ मॉड x माइनस 2x प्लस c, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11, I इज इक्वल टू देखो x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाय x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाय x स्क्वायर dx। जब भी x वाले क्वेश्चन आते हैं यानी एलजेब्रिक क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन के लिए, तो आपने टर्म्स को सेपरेट करने की कोशिश करनी है जब तक वो सेपरेट हो सकें। क्लियर? तो अब यहाँ देखो कि तीन टर्म्स ऊपर हैं और नीचे एक ही टर्म है, तो मैं इस अकेली टर्म को इन तीनों के साथ सेपरेट कर सकती हूँ, ठीक है ना, ये जो टर्म इन तीनों को डिवाइड करेगी, तो एक्स क्यूब के नीचे भी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और भाई 5x स्क्वायर भी x स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा और 4 भी x स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा और साथ में आ जाएगा dx। गॉट इट? देखो x स्क्वायर से x क्यूब कटेगा, कैंसिल होगा, तो बेटा जी यहाँ कितना बचेगा x, तो ये टर्म तो हो गई x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया केवल 5 बचा और ये है 4 बाय x स्क्वायर, तो इस x स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ x की पावर माइनस 2 dx, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने देखा है वो x की पावर n है, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, केवल एक जगह ये एप्लीकेबल नहीं है जहां n माइनस 1 हो। तो इसको फटाफट से हम सेपरेट कर लेते हैं, भैया x की भी इंटीग्रेशन जहां कांस्टेंट आ जाए 5 आ गया, 5 का मतलब 5 गुना 1 5 इंटू 1, तो आपने 5 को बाहर ले लेना है इंटू 1 dx आ गया, माइनस 4 को बाहर ले लेना है x की पावर माइनस 2 dx, x x की पावर माइनस 2, इन दोनों में ये फॉर्मूला लगेगा 1 की इंटीग्रेशन, मेरे ख्याल से फोर्थ टाइम आ रही है इसी लेक्चर में, तो ये x हो जाएगा, तो ये बनेगी एक्स स्क्वेयर बाय 2, 1 की इंटीग्रेशन x बनेगी तो 5x माइनस 4, ध्यान दें x की पावर n है तो जो भी पावर है उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो पावर माइनस 2 है तो उसमें भी 1 ऐड हो गया और माइनस 2 प्लस 1 साथ में c आ जाता है, तो ये बन गया x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x, ध्यान देना भाई ये माइनस 1 बनेगा और ये माइनस 1 यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा 4, ये बनेगा x की पावर माइनस 1 जो नीचे आकर प्लस हो जाएगा और ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा। तो मेन आपने लॉजिक समझना है कि किस तरह से हमने टर्म्स को सेपरेट करते हुए हर जगह इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। आगे बढ़ती हूँ अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 का, मैं जस्ट आपको हिंट देने जा रही हूँ, आपने उसको फिर खुद ट्राई करना है। ये है बेटा जी एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट एक्स। अब ये रूट एक्स देखकर कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, रूट एक्स
रूट का मतलब होता है x इज टू पावर 1/2, गॉट इट। तो इनको अब हम सेपरेट कर लेते हैं और मैं यहाँ यहीं पर देखो, मैंने आपको पहले कहा मैं हिंट दे रही हूँ, आपने अगले स्टेप में जाकर यहाँ पर पावर लगा देनी है 1/2 और अब आप इन्हें सेपरेट कर लो। x क्यूब डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय x इज टू पावर 1/2 प्लस 4x इज टू पावर 1/2 dx। तीनों के नीचे x की पावर 1/2 आ गई। फिर एक छोटा सा एलजेब्रा यहाँ लगता है, क्या हम 8th क्लास से करते आ रहे हैं, x इज टू पावर m बाय x इज टू पावर n है, डिवाइड करते टाइम बेस सेम है तो और पावर जो है वो हमारी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो वही चीज़ अब हम यहाँ लगाने जा रहे हैं, x की पावर 3 ऊपर है 1/2 नीचे, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 1/2, x की पावर 1 ऊपर है 1/2 नीचे है तो x की पावर 1 माइनस 1/2, और ये पावर नीचे है तो ऊपर लेके जाना है क्योंकि न्यूमरेटर के लिए हमारा फॉर्मूला काम करता है, तो x की पावर माइनस 1/2 dx, गॉट इट। अब आप इसको अलग अलग भी साथ साथ कर रही हूँ मैं, इसको सोल्व करोगे 2, 3 जा 6, 6 में से एक गया 5/2, तो ये बनेगा x की पावर 5/2 dx। अलग कर दिया मैंने साथ में ही इसको, 3 यहाँ पर लिया, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, x इज टू पावर 1/2 dx, और इसमें से 4 अलग कर दिया x इज टू पावर माइनस 1/2 dx, और आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे x इज टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो ये देखो जब आप इसमें 1 ऐड करोगे तो 7/2 बाय 7/2 आएगा, यहाँ पर आपका x की पावर 3/2 बाय 3/2 आएगा, और यहाँ x की पावर 1/2 बाय 1/2 आएगा। इन्हें आप सॉल्व करके और लास्ट में अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो पिछले सभी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, कैसे, ध्यान से देखें, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, दो टर्म है नीचे, दो टर्म है, पहले अभी तक एक ही टर्म आ रही थी तो हम सेपरेट कर रहे थे, देखो इसमें भी एक ही टर्म थी हमने तीनों के साथ सेपरेट किया, यहाँ भी एक ही टर्म थी तीनों के साथ सेपरेट किया, लेकिन यहाँ दो टर्म है तो ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर के पहले फैक्टर्स बनाएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हम इंटीग्रेशन के साइन को छोड़कर पहले लेट मैं आपको न्यूमरेटर अलग से डिस्कस करके दिखाती हूँ कि x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये हम 9th क्लास में करके आते हैं इनको, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो फर्स्ट टू टर्म्स में x स्क्वायर कॉमन है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 प्लस इन दोनों में से भी 1 कॉमन है इंटू x माइनस 1, ध्यान करें फैक्टराइजेशन से, इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ x बचा माइनस 1, इनमें कोई टर्म कॉमन नहीं है बट 1 इज ऑलवेज अ कॉमन फैक्टर, तो 1 यहाँ कॉमन लिया तो x माइनस 1। अब एक टर्म ये है आपके पास इसमें x माइनस 1 है, एक टर्म ये है आपके पास इसमें x माइनस 1 है, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से हम एक बार फिर से x माइनस 1 को कॉमन लेते हैं, ध्यान से देखना x माइनस 1 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x माइनस 1 जब मैंने कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में केवल x स्क्वायर बचता है, यहाँ से x माइनस 1 कॉमन लिया तो ये 1 बचता है, जो ये टर्म थी ये इसके इक्वल आ गई है। इंटीग्रल को 1 नाम दे दो और इस फैक्टराइजेशन को आप 2 नाम दे दो कि जो ये न्यूमरेटर है वो इसके इक्वल हो गया है। अब इस न्यूमरेटर के प्लेस पर हम ये फैक्टर्स, हमने न्यूमरेटर के फैक्टर किए हैं, ध्यान रखेंगे आप इस बात को, ये फैक्टराइजेशन हम 9th क्लास में कर लेते हैं, तो यूजिंग रिजल्ट नंबर 2 इन 1 इस फैक्टराइजेशन को वहां यूज करो, जो आई था आपका वो था x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बाय x माइनस 1 dx। अब ये जो न्यूमरेटर है वो इन दोनों की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है तो ये बनेगा x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 बाय x माइनस 1, और अब इस कंप्लीट फैक्टर से ये कंप्लीट फैक्टर कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 टर्म्स नाउ, और वो दो टर्म्स क्या हैं बेटा, x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है हमारा, हमें x स्क्वायर की भी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x और 1 की, x स्क्वायर की क्या हो जाएगी x क्यूब बाय 3, 1 की क्या हो जाएगी x प्लस c।
ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 आपका, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 13 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल सिंपल। अगर आप देखें तो 1-x मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स, रूट एक्स मैंने आपको बताया है क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। तो इसे पहले हम लिख लेते हैं 1-x इंटू एक्स इज टू पावर 1/2 डी एक्स। फिर मैंने क्या बताया, टर्म्स को सेपरेट कर लो, तो एक्स इज टू पावर 1/2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा एक्स इज टू पावर 1/2 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x है और ये x की पावर 1/2 है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये बनेगा x की पावर 1+1/2 dx। ये बेसिक्स क्लियर होने आपके यहां बहुत जरूरी है, तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है। x इज टू पावर 1/2 और ये हो जाएगा x इज टू पावर 3/2 dx, सेपरेट कर लीजिए, x इज टू पावर 1/2 dx माइनस x इज टू पावर 3/2 dx। फिर से वही फॉर्मूला लग जाता है, x इज टू पावर n dx क्या होगा, इंटीग्रेशन x इज टू पावर n+1/(n+1+c), तो ये बन जाएगा x इज टू पावर 1/2+1/1/2+1 माइनस x इज टू पावर 3/2+1/3/2+1 प्लस सी। 1/2+1 क्या होगा, 3/2, डिनोमिनेटर में 3/2, 3/2+1 कितना होगा 5/2, डिनोमिनेटर में 5/2 प्लस सी। और जब आप इन्हें रिवर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 2/3 और ये बन जाएगा आपका 2/5 एंड इट विल बी द आंसर, जो कि बहुत ईजी है। और अब मैं आपको बता दूं कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो कि मैं अब नहीं सॉल्व कराऊंगी, बिल्कुल इसी लाइन पर है, बाहर रूट एक्स है अंदर तीन टर्म्स हैं, उनसे मल्टीप्लाई करके तीन अलग अलग इंटेग्रल बनेंगे जो आपने सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल इसकी तरह है, ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने इसको ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने अपने आप सॉल्व करना है। 17 अब मैं आपको करा रही हूँ और ये मैं थोड़ा सा अब आपको शॉर्टकट में कराती हूँ, क्योंकि एक ही लेक्चर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा यहाँ पर कवर करने हैं। सेपरेट करने के साथ साथ मैं कॉन्स्टेंट को भी बाहर ले आती हूँ, ध्यान देंगे। पहला सेपरेट किया, दो बाहर आ गया, अंदर रह गया एक्स स्क्वेयर डी एक्स। सेकेंड को सेपरेट किया तो 3 बाहर आ गया, अंदर रह गया साइन एक्स। इसको सेपरेट किया तो 5 बाहर आ गया, अंदर रह गया रूट एक्स, और रूट एक्स का मतलब होता है एक्स इज टू पावर 1/2। ध्यान से देखना है क्या किया है मैंने। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स क्यूब बाय 3। साइन एक्स की इंटीग्रेशन मैंने लास्ट लेक्चर में कराई है, माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और प्लस 5 एक्स इज टू पावर 1/2 अभी जस्ट 14th क्वेश्चन में ही आई है, तो ये हो जाएगा एक्स इज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी। सॉल्व कर लीजिए, 2/3 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 5 10/3 एक्स इज टू पावर 3/2 प्लस सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, आपने जस्ट टर्म्स को सेपरेट करना है, लॉजिक समझ आ जाएगा, फॉर्मूला याद होगा, तो इन क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी आपको आने वाली नहीं है। गॉट इट। तो अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18, ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है, इसके भी फॉर्मूले हम कर चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। क्वेश्चन को देख के आपने परेशान नहीं हो जाना, इसको ओपन तो करो, एटलीस्ट खोलो तो सही ब्रैकेट को। हम ब्रैकेट को खोलते हैं, सीकेंट एक्स को सीकेंट एक्स से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स। सीकेंट एक्स को टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, डी एक्स। आप अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों इंटेग्रल मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हो गया, अलग अलग कर लीजिए सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स, इसको भी अलग कर लीजिए सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स डी एक्स। गॉट इट। सीकेंट स्क्वेयर एक्स क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स। सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटेग्रल क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स प्लस सी। और ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि सीकेंट स्क्वेयर बाय कोसेकेंट स्क्वेयर है, और बाय के लिए तो हमने कोई आइडेंटिटी अभी लर्न की नहीं है, और किस तरह से हम इसको करें, तो हम इसको सेपरेट करते हैं। कैसे, सीकेंट स्क्वेयर क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है 1/cos θ, तो सीकेंट स्क्वेयर हो जाएगा 1/cos² x डिवाइडेड बाय
कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा। देखो बहुत सिंपल सिंपल रिजल्ट्स मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। सिकेंट थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, कोसिकेंट थीटा होता है बेटा जी 1 बाय साइन थीटा, जो कि 10th क्लास का आपका रिजल्ट है। तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वेयर x dx। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, एक रिजल्ट आपने हमेशा याद रखना है, a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय डी अगर है, ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी, और डिवाइड करना है तो लास्ट को लास्ट से मिला दो ए डी, और मिडिल को मिडिल से मिला दो बाय बी सी। इसको तो यहाँ ले जाओ, लास्ट को तो लास्ट पे, फर्स्ट और लास्ट को मिला दो, ए को डी से मिला दो, बी को सी से। तो हम इसको तो इससे मिलाएंगे, यानी साइन स्क्वेयर एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मिला देंगे तो कॉस स्क्वेयर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वेयर एक्स। साइन स्क्वेयर एक्स बाय कॉस स्क्वेयर एक्स आपका क्या होता है, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। लेकिन टेंजेंट स्क्वेयर एक्स के लिए भी हमने कोई फॉर्मूला अभी तक लर्न नहीं किया है, जो आइडेंटिटी फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। बट रिमेंबर वन आइडेंटिटी, ये देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर एक्स, और इसी को यूज करके हम लिख लेते हैं टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन। तो इसके प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन डी एक्स। इन दोनों को सेपरेट कर लीजिएगा, तो सेपरेट करोगे तो सीकेंट स्क्वेयर की इंटीग्रेशन हो जाएगी टेंजेंट एक्स, माइनस वन की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स प्लस सी। मैंने यहाँ सेपरेट नहीं किया है, आप सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन लगाना तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट क्वेश्चन है। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू 2 माइनस 3 sin x बाय cos square x, ये ऑलरेडी साइन कॉस में है, दो टर्म्स ऊपर हैं एक नीचे, हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हम करते हैं बेटा 2 बाय cos square x माइनस, ध्यान देना है, 3 sin x डिवाइडेड बाय cos square x, और पूरे के साथ ये लगा दिया मैंने dx। 1 बाय cos secant होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 times of secant square x। इस पर ध्यान दो, जो ये नीचे cos square है इसे मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, इसको मैं लिख दूँ cos x into cos x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखना। 3 sin x ऊपर cos square को मैंने लिखा cos x into cos x, और ये sin by cos तो आपका tangent बन जाएगा, और इसके लिए हम यहाँ पर 1 लगा देंगे 1 by cos, तो ये क्या बनेगा 2 secant square x माइनस 3 sin by cos बन गया tangent x, 1 by cos बन गया secant x dx। जब आप इन टर्म्स को अलग अलग करोगे तो 2 integration of secant square x dx माइनस 3 integration of secant x tangent x dx, और दोनों की इंटीग्रेशन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। सीकेंट स्क्वेयर एक्स की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन होती है सीकेंट एक्स प्लस में सी। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको करना सीखना है कि कैसे हम इन टर्म्स को सेपरेट करें, कहाँ कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करें, क्या फॉर्मूला यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 ऑब्जेक्टिव है। 21 आप अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, बहुत इजी है। 22 थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव ये है, क्लियर, एफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये है, और एफ ऑफ 2 0 है, यानी उस फंक्शन में अगर हम 2 रख दें तो हमारा आंसर 0 आएगा, उस फंक्शन की 2 पर वैल्यू 0 है, तो वो फंक्शन क्या है। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है जो आप अपनी बुक से क्रॉस चेक कर सकते हो। तो अब आप एक बात को समझो कि इससे हमने फंक्शन तक जाना है, डिफ्रेंशिएशन दे रखी है जिसे हमने ख़त्म करना है, और डेरिवेटिव का एंटी प्रोसेस क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंटेग्रल। तो अगर हम बोथ साइड्स इंटीग्रेशन कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये ध्यान देंगे, ये है 4x³ माइनस 3x⁻⁴ को ऊपर ले गई, और अब मैं दोनों साइड्स कर रही हूँ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। थोड़ा मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये 1 मार्क का आपका क्वेश्चन है, अगर 2 मार्क्स में 4 में भी आता है तो भी आपने ऐसे ही करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x।
एक्स, इंटीग्रेशन से ये कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारे पास केवल एफ एक्स रह जाएगा और ये बन जाएगा 4 times इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 times इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज टू पावर माइनस 4। गॉट इट? ये बनेगा 4, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स की पावर 4/4 माइनस 3, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी? ये बनेगी बेटा x की पावर -4+1/-4+1 यानी -3/-3। तो x की पावर -3/-3 और प्लस में आ जाएगा c। ये है f ऑफ x आपका, f ऑफ x 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो जो आपका f ऑफ x आया, ध्यान दें वो क्या बना, x इज टू पावर 4 माइनस माइनस प्लस x इज टू पावर माइनस 3 है जो डिनोमिनेटर में आकर हो जाएगी 1/x³+c। ये आपका एफ एक्स आ जाता है, लेकिन आपका जो आंसर है, जो ऑप्शन है, उनमें c नहीं है, c की जगह एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो वैल्यू हम कैसे निकालें? अब हमें ये गिवन है कि f ऑफ 2 0 है, यानी कि जब आप इसमें 2 रखोगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। f ऑफ 2 आपका क्या है, 0 है, तो हम इसमें बोथ साइड्स 0 पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, बोथ साइड्स इसमें 2 पुट करेंगे, तो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। और हम यहाँ अब क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 in 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम x के प्लेस पर 2 पुट करने जा रहे हैं, ध्यान देना। तो यहाँ मैंने रखा 2, f ऑफ 2, और ये हो जाएगा 2 is to power 4+1/2³+c। f ऑफ 2 0, क्योंकि हमें कहा गया है कि f ऑफ 2 0 है, देखो ये कह रखा है यहाँ 2 की पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 1/8+c। सी को तो यहीं रखो, इसको पहले सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 8 16 8 जा 128 + 1+c, ध्यान देंगे ये हो गया 129/8+c। सी को यहीं रखो, इसको लेफ्ट में लाओ, तो ये बनेगा, सी की वैल्यू बनेगी -129/8। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो जो हमारा फंक्शन बनेगा बेटा वो बनेगा x is to power 4+1/x³, और c के प्लेस पर हम रखने जा रहे हैं -129/8। तो ये आपके एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है आपकी बुक में जो गिवन है। तो ये मैंने कोशिश की कि 7.1 के मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने यहाँ आपको करवा दिए हैं, इन्हीं की हेल्प से आप अपने एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हो और कंप्लीट एक्सरसाइज को आप 7.1 को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।